नमस्ते सत श्रीकाल किम छो, वेलकम टू फ्यूचर एक्सलेंसी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। लेट्स स्टार्ट। सो आप देख रहे हो गए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता क्या है? टैक्सोनॉमी एनिमल्स का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम एनिमल्स को एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे एनिमल की एक स्पीसी दी हुई है, फिर जीनस दिया हुआ है, फिर फैमिली दी हुई है, फिर ऑर्डर दिया हुआ है, क्लास दी हुई है और किंगडम दिया हुआ है। इस तरीके से हमने जो एनिमल है उसको एक डिवाइड किया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। ये आपके सामने जो ग्राफ दिया है इसे कहते हैं टैक्सोनॉमी का हायरार्की। ये टैक्सोनॉमी की कैटेगरी मिलकर के टैक्सोनॉमी का हायरार्की बनाती हैं। इन्हें इसी ऑर्डर में लर्न किया जाता है एंड क्लासिफिकेट किया जाता है। सो चलिए और पॉइंट्स की ओर चलते हैं। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम कैटेगरीज को किस तरह डिवाइड करेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। जब तक कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेस पर उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो क्लियर। ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। अब देखो हमने जो हायरार्की देखा था उसके अंदर जो हर एक स्टेप है वो क्या शो कर रही है? वो शो कर रही है एक कैटेगरी को। किसको शो कर रही है? वो कैटेगरी को। तो द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। क्या कैटेगरी किसका पार्ट है? पूरे एक ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को बनाता है वो। इसलिए हम हर एक कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब देखो हमने कहा ना कैटेगरी क्या है? एक रैंक है। तो जब कई सारी कैटेगरीज मिलेंगी, स्पीसी, ऑर्डर, जीनस, स्पीसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, जनरली, या सो ये क्या बना लेती है? एक हायरार्की बना लेती है। लिखा है देखो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, करेक्ट? ओके। तो कैटेगरी रिफर्ड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कैटेगरी क्या बना दी है? क्लासिफिकेशन की एक यूनिट, क्योंकि हम इसी के बेस पर तो हम किसी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इसे हम एक रैंक भी कहते हैं। सो कॉमनली कॉल्ड एज टैक्सोन। हर एक कैटेगरी को हम एक टैक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम एक टैक्सोन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्या है? स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है? फर्स्ट यूनिट ऑफ हायरार्की। फर्स्ट यूनिट ऑफ हायरार्की जो एक बेसमेंट बना रही है पूरे हायरार्की का। तो स्पीसी क्या है? जनरली देखो टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज अ स्पीसी। तो क्या होता है जनरली जो टैक्सोनॉमी है उसमें हम स्पीसी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो सिमिलरिटीज होती हैं एनदर ऑर्गेनिज्म से उसके बेस पर हम कहते हैं कि ये एक अलग स्पीसी है, वो एक अलग स्पीसी है। जैसे कि ये देखो इसमें लिखा है वन शुड बी डिस्टिंग्विश वन स्पीसी फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसी बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। तो किसी भी स्पीसी को हम उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पर एक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा डॉग है और हमारे पास ह्यूमन है, तो जनरली क्या होता है जो हमारा डॉग था ना तो उसका जो फेस है मॉर्फोलॉजी है वो अलग है, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी अलग है। तो इसके बेस पर हमने डिफाइन कर दिया कि ये अलग स्पीसी वो अलग स्पीसी। ओके चलो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लाइक मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका इज अ मैंगो। क्या है? मैंगो। तो मैंगो इसमें देख रहे हो मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका इज एन स्पीसी, बताया था ना लास्ट वाला नेम स्पीसी होता है यार। ओके सोलेनम ट्यूब्रोसम। सोलेनम ट्यूब्रोसम क्या है? पटेटो। सो यहाँ ट्यूब्रोसम क्या है? ट्यूब्रोसम। ट्यूब्रोसम भी स्पीसी है। अब देखो पेंथेरा लियो। पेंथेरा लियो क्या है? लायन का नेम है, साइंटिफिक नेम। ओके इसी तरह होमोस्पेसियन।
होमोसेपियंस, ये है ह्यूमन का नेम, यहाँ सेपियन क्या है, हमारी स्पीसी। ओके गाइस, अच्छा नेक्स्ट क्या आता है हमारा जीनस। ओके चलो, जो जीनस है वो स्पीसी से थोड़ी हायर कैटेगरी है ना। तो जीनस में हम जो एनिमल्स के बीच में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी देखेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स देखेंगे, वो थोड़े कम होंगे देन स्पीसीज से। स्पीसीज में दो कॉमन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, उससे कम जीनस में मिलेंगे। और जैसे जैसे हायर कैटेगरी की हो जाएंगे तो जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। तो दो रिलेटेड स्पीसीज से एक जीनस बनता है। लाइक एग्जांपल देखिए, पटेटो और ब्रिंजल। पटेटो आलू और ब्रिंजल हमारा बैंगन है, दोनों का जो स्पीसी है वो डिफरेंट है, बट थोड़ी थोड़ी रिलेशन आ गए इसलिए हमने इसे एक जीनस में रखा, जिसे हमने क्या कहा, सोलेनम। ठीक है, इसी तरह लायन पेंथेरा लियो, लेपर्ड पेंथेरा पार्डस, टाइगर पेंथेरा टाइग्रेस, तीनों में देखिए पेंथेरा वर्ड आ रहा है, पेंथेरा इज एन जीनस, सो हैव कॉमन जीनस। ओके, ओ फैमिली, ओके चलो, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसी। सेम कंडीशन जैसे हमने जीनस में पढ़ा, स्पीसी में पढ़ा, इसी तरह सेम रिलेटेड जो जीनस होंगे वो क्या बनाएंगे, फैमिली। ओके चलो, इसी तरह फैमिली में भी जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे जीनस की तुलना में कम होंगे, सेम कंडीशन है ना। जैसे जैसे अपर साइड में जाएंगे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो इसी तरह कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसी, किसी भी फैमिली को जब हम डिफाइन करते हैं प्लांट की जनरली, तो उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। यू नो दिस लाइन इज सो इम्पॉर्टेंट, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बेस पर हम उस प्लांट स्पीसी की फैमिली को डिफाइन कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सोलेनम पिटूनिया धतूरा। आपने सुना होगा अपने घर में धतूरा का नेम, सोलेनम तो खैर नहीं। तो ये तीनों फैमिलीज हैं, किस फैमिली में आती हैं, ये सोलेनेसी फैमिली में आती हैं। सोलेनम पिटूनिया धतूरा ये सब वेजिटेबल्स के नेम हैं। तो ये से इन्हें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जीनस की सिमिलरिटी के बेस पर सोलेनम फैमिली में रख दिया। ठीक है चलिए, इसी तरह एनिमल पे आए तो पेंथेरा एंड फेलिस। पेंथेरा किसका था, टाइगर लायन कैट। फेलिस किसका था, है ना, पेंथेरा में कैट नहीं आती है, वो फेलिस में आती है। तो दोनों की जीनस में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देखा होगा, टाइगर और कैट में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिलती है। तो इसी के बेस पर हमने इन्हें एक फैमिली कह दिया कि ये एक फेलिडी फैमिली से रिलेट करती हैं, जिसमें टाइगर्स भी आते हैं, लायंस भी आते हैं, है ना, और कैट को साथ में जोड़ दिया, सिंपल। ओके समझ में आई फैमिली। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो, एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।